हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देखो सतत आवेश जो वितरण है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होता है कि अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि आवेशों के गुणधर्म में कि आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन बोलते हैं कि जो आवेश है उनका वितरण क्या होता है, सतत होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि आप जानते हो कि आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, अर्थात आवेशों का किसी निकाय में जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। आपने पढ़ा था ये वाला कि क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक है, मतलब जो चार्ज होता है वो आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है। परंतु किसी निकाय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी आवेशों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उनके बीच की दूरी क्या होती है, नगण्य होती है। उनके बीच की दूरी क्या होती है, नगण्य होती है। कब होती है, जब उनमें उस वस्तु में या उस निकाय में आवेशों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो उस कंडीशन पर उनकी जो बीच की दूरी वो क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और नगण्य होने पर वो सामान्य रूप से देखेंगे ना तो वो क्या होते हैं, सतत रूप से दिखाई देते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, अपने जो क्वांटीकरण प्रक्रिया है उसको क्या मानेंगे, नगण्य माने लग जाते हैं, और उसको क्या माना जाता है, सतत माना जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्वांटीकरण प्रक्रिया को बिल्कुल भी नगण्य माना गया, और नगण्य इसलिए माना गया क्योंकि जब वो बहुत अधिक संख्या में होते हैं तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बहुत कम, नगण्य मानी जाती है उसके बीच की दूरी को, मतलब नगण्य हो जाती है, दिखाई नहीं देता। सामान्य रूप से देखने को मतलब बिल्कुल सतत रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण अपने कोर्स में तीन प्रकार का है। पहला अपने पास है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरा अपने पास है पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, तीसरा अपने पास है आयतन आवेश वितरण होता है। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको शो करते हैं लेमड़ा से, इसको शो करते हैं सिग्मा से, और इसको करते हैं रो से। ठीक है, अब देखो रेखीय आवेश, नाम से पता लग रहा है रेखीय आवेश वितरण, मतलब जब कोई आवेश किसी रेखा पर सतत रूप से वितरित होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। कब, कौन सी कंडीशन पर, जब कोई आवेश किसी रेखा पर सतत रूप से वितरित होते हैं तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। और उस रेखा के किसी एकांत पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या कहलाते हैं, उसके रेखीय पृष्ठ घनत्व कहलाता है, और रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है वो, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या चीज, उसके एकांत पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर है डेल एल अल्पांश, है क्या है डेल एल अल्पांश, तो उस पर आवेश है डेल क्यू, तो एकांत भाग पर कितना होगा, डेल क्यू अपॉन डेल एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रेखीय आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं, लेमड़ा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एल क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। तो किसी रेखा के एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों का वितरण क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसको किससे शो करते हैं, लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार पृष्ठ आवेश वितरण, मतलब ये तो होगा इस लाइन पर होगा। ठीक है, और पृष्ठ आवेश वितरण में क्या होगा, पृष्ठ से पता लगा, मतलब पृष्ठ यानी सरफेस या पृष्ठ या सतह या समतल। ठीक है, तो जब किसी पृष्ठ पर जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होते हैं तो उसको कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। किस पर, पृष्ठ पर, नाम से पृष्ठ पर वितरित है तो उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया था रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ होता है, तो इस पृष्ठ पर जो आवेश होता है उसका वितरण क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है।
और इसमें क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या कहेगा, उसकी उसके एकांक पृष्ठ में, किसमें, एकांक पृष्ठ में या उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है, मतलब उसके एकांक पृष्ठ में। तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसको सो करते हैं लेबड़ा से, वो लेबड़ा से सिग्मा से सो करते हैं इसको, किससे करते हैं, सिग्मा से। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो उसके डेल एस भाग में आवेश है कितना, डेल क्यू, तो उसके एकांक भाग में कितना होगा, डेल क्यू अपॉन डेल एस, और यही क्या कहलाता है, उसका एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल क्यू अपॉन डेल एस हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। और उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, आयतन आवेश वितरण, तो आयतन आवेश वितरण क्या कहता है, ये भी वही होता है, यहाँ पर आयतन का नाम लेंगे कहाँ पर, जब रेखा का नाम लिया था। तो जब कोई आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित होता है, किसमें, आयतन में समान रूप से वितरित होता है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, आयतन आवेश वितरण कहते हैं, मतलब वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम में समान रूप से इक्वल कंडीशन में वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर भी क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व, इसको सो करते हैं किससे, रो से। तो यहां पर अगर मान लो उसके डेल भी आयतन में आवेश है कितना, डेल क्यू, कितना है, डेल क्यू, तो इसके एकांक भाग में कितना होगा, डेल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, डेल बी, इसको किस क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन क्या है, डेल बी। तो ये किसका फॉर्मूला अपने पास, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से आपके पास सतत आवेश वितरण होता है, और इनका सतत आवेश वितरण कारण विद्युत क्षेत्र भी होता है, जो अपने अगले क्लास में पढ़ लेंगे उनको। तो एक बार इसको देखो, सतत आवेश वितरण क्या होता है, देखो आपने पढ़ा था कि पिछले चैप्टर में कि आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वांटीकृत भी माना गया है, लेकिन इसको सतत रूप से माना गया। अब सतत रूप से क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है, लेकिन किसी निकाय में अगर मान लो इलेक्ट्रो आवेशों की संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब जैसे अपने पास बहुत अधिक है, भीड़ है, तो उसमें क्या होता है कि जो उनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, नगण्य मानी, नगण्य हो जाती है। तो सामान्य रूप से देखने पर वो क्या दिखाई देते हैं, सतत रूप से दिखाई देते हैं। तो सतत रूप से दिखाई देने के कारण वो क्या कहते हैं, जो क्वांटीकरण प्रक्रिया है उसको तो क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, और आवेशों का वितरण किस मार्ग माना जाएगा, सतत रूप से माना जाता है, उसे क्या कहेंगे अपन, सतत आवेश वितरण कहते हैं। और देखो, सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या कहते हैं, जब कोई आवेश समान रूप से किसी रेखा पर उपस्थित होता है तो वो क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाते हैं, और उसके एकांक पृष्ठ पर, उसके एकांक रेखा पर, मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है। और अगर मान लो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जब उसके पृष्ठ पर आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित होते हैं, तो उसको कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण, जो क्या होता है, पृष्ठ उसके और उसके एकांक पृष्ठ पर, मतलब उसके एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। मतलब एकांक बोलू तो एकांक पृष्ठ, मतलब उसका घनत्व, एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश क्या कहता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एस हो जाएगा। उसी प्रकार आयतन आवेश वितरण, तो जब कोई आवेश समान रूप से किसी आयतन में वितरित होता है तो वो क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। उसके एकांक आयतन में उपस्थित क्या आवेश क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसको किस तरह करते हैं, रो से सो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल वी, वी क्या है यहाँ पर, आयतन, डेल एस क्या है यहाँ पर, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और डेल एल क्या है, लंबाई। तो लंबाई किसके लिए लेंगे, देखिए आवेश वितरण के कारण, पृष्ठ किसके कारण, क्षेत्रफल किसके कारण लेंगे, पृष्ठ के कारण, ठीक है। और आयतन किसके कारण लेंगे, आयतन के लिए, डेल वी किसके लिए लेंगे, आयतन के लिए। तो इस तरह से आपके पास सतत आवेश वितरण कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू, धन्यवाद।